माता ही दोस्तों, माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको सकट की पूजा जो है वो दिखाने वाली हूँ। इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे बहुत सारे लोग इसको सकट या संकष्टी चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, बहुत सारे नामों से अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जो है वो जाना जाता है। तो आप जिस भी नाम से जानते हो, लेकिन आज के वीडियो में आपको सकट का जो पूजा विधि है वो दिखाने वाली हूँ, और बहुत ही सरल पूजा विधि दिखाने वाली हूँ। जो भी सामान है आपके पास, उससे जो पूजा है वो आप कर सकते हैं। तो कैसे पूजा करना है, सबसे पहले आपको तैयारी कर लेना कुछ इस तरीके से। आपको एक घर में जो भी चौकी है या पीड़ा है, पटौलिया जो भी है, उसमें आपको एक लाल कपड़ा बिछा लेना है इस तरीके से, और वहाँ पर आपको इस तरीके से माता जी की जो फ़ोटो है वो विराजमान कर लेना है। गणेश भगवान के साथ जो भी फ़ोटो है उस तरीके से आपको माता की विराजमान कर लेना है। अगर आपके पास पीतल के गणपति हैं या छोटे से गणपति किसी भी तरीके के हैं, वो आप जरूर विराजमान करें, क्योंकि गणपति जी की पूजा जो है वो विशेष रूप से की जाती है। इस तरीके से जो भी मौसमी फल हैं, शकरकंद हैं या गाजर हैं या अमरूद हैं, बेर हैं, केला हैं, जो भी फल हैं वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। वैसे विशेष रूप से शकरकंद और जो गाजर है वो आज के दिन चढ़ाना बहुत ही ज़्यादा उत्तम माना जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो लड्डू का, तिल के लड्डू का भोग है वो लगता है, तो चाहेंगे तो काले तिल के लड्डू आप बना लें या आप सफ़ेद तिल के लड्डू बना लें। वैसे विशेष रूप से काले तिल का इस दिन विशेष महत्व होता है और तिल का इस दिन विशेष महत्व होता है। साथ ही साथ जिसके जितने भी पुत्र हैं, पुत्र के हिसाब से बहुत सारे लोग आसें बनाते हैं। आसें एक तरीके का पुआ जो है उस तरीके से होता है। आस बहुत दिन से आस लगा के बैठी थी तब पुत्र प्राप्ति हुई है, इस तरीके से आस जो है, आसें जो है वो बनाई जाती हैं। अगर आपके पास एक पुत्र है तो एक आस, और अगर मैं सरल भाषा में बताऊँ तो एक पुत्र है तो एक पुआ, दो पुत्र हैं तो दो पुआ, इस तरीके से जो है वो बनाए जाते हैं। बहुत सारे लोगों के यहाँ जो मिष्ठान है उसमें गुजिया बनाई जाती है, तो आपके यहाँ आसें बनती हैं तो आसें बनाइए, या पुआ जो है, पुआ बनते हैं तो पुआ बनाइए, गुजिया बनती है जो तो गुजिया बनाइए, गुलगुले बनते हैं तो गुलगुले बनाइए। जो भी आपके घर की परंपरा है, ऐसे नहीं कि किसी को देख के करें, जो भी आपके घर में परंपरा है या आपने परंपरा जो है वो नहीं देखी है, तो आप अपने हिसाब से जो भी मिष्ठान है वो बना के चढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने कुछ मौसमी फल लिए हैं, और विशेष रूप से मैंने यहाँ पे तिल के लड्डू लिए हैं, यहाँ पे मैंने गुलगुले जो हैं वो लिए हैं, गुजिया ली हैं, यहाँ पे मैंने फल लिए हैं, माता जी के लिए कुछ सिंघार लिया है, यहाँ पे मैंने छोटा सा जो भोग है वो रखा है। मान लीजिए अगर बड़ा सा भोग जो है वो आपने नहीं बनाया है, तो आप इस तरीके से जो भोग है वो लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने पानी जो है वो लिया है भगवान को स्नान करवाने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे कपूर है, यहाँ पे जो रोली है, चंदन है, चावल है, हल्दी है, वो मैंने लिया है यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हवन का मैंने बनाया है। इस दिन तिल जो होते हैं उनको चटकाने का विशेष महत्व होता है। बोलते हैं अलाय बलाय कष्ट जो भी होता है, अगर तिल इस दिन चटकाए जाते हैं तो बच्चों की अलाय बलाय जो है वो भी समाप्त हो जाती है। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने ओखली ली है। ओखली में आज के दिन तिलकूटा जो है वो बनाने का विशेष महत्व है। बहुत सारे लोग जो है वो तिलकूटा बना के रखते हैं, और बहुत सारे लोग सामने बना के माता जी को चढ़ाते हैं। तो जैसा भी आपके यहाँ रिवाज है उस तरीके से आपको कर लेना है। साथ ही साथ यहाँ साइड पे, जैसे यहाँ पे पूजा आप कर रहे हैं, यहाँ पे साइड पे आपको एक इस तरीके का पेपर, देखिए बहुत सारे लोगों के यहाँ, अब बहुत सारे लोग हो सकता है बोलें कि पेपर में क्यों रखा, तो मैं बता दे रही हूँ, सबके अलग अलग नियम होते हैं। बहुत सारे लोग लकड़ी के पटे में रखते हैं, बहुत सारे लोग पत्थर में रखते हैं, बहुत सारे लोग प्लेट वगैरह में रखते हैं। जहाँ रिवाज हमारे यहाँ कागज में रखने का रिवाज है, तो इस तरीके से कागज में मैंने जो है वो रखा हुआ है। यहाँ पे तिल का जो बकरा है वो बनाया जाता है, और अगर आप तिल का बकरा नहीं बनाते हैं तो पहाड़ जो है वो बनाया जाता है। यहाँ पे मैंने तिल का बकरा जो है वो बनाया है, और अगर आपके यहाँ पहाड़ बनता है तो इस तरीके से मुट्ठी भर के, और इस तरीके से आपको जो पहाड़ है वो बना लेना चाहिए। तो आपके यहाँ जैसा भी बनता है वैसा आप बनाइए। अब तिल के बगल में आशा माता की फ़ोटो जो है वो बनाई जाती है, क्योंकि आसें जो है वो पूजा बनाई जाती हैं, तो आशा माता की इस दिन पूजा होती है। और माता जी के नाम जो है वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन माता जी जो है उनका आशीर्वाद जो है वो एक ही रूप में मिलता है आपको। तो आपके यहाँ जिस भी तरीके से अगर बनाया जाता है उस तरीके से आप बनाइए। हमारे यहाँ यहाँ पे पहाड़ है वो नहा बना के यहाँ पे बकरा जो है वो बनाया जाता है। ये बकरा पूजा समाप्त हो जाने के बाद में, शाम की पूजा होती है, दिन में पूजा नहीं होती है। दिन में आपको संकल्प लेना पड़ता है, पूजा निर्जला रखना पड़ता है, व्रत, और रात में मतलब शाम के समय पूजा होती है।
उस टाइम जब पूजा समाप्त हो जाती है तब घर का जो भी बेटा है, मान लीजिए अगर आपके पास 3 बेटे हैं तो या तो बड़ा बेटा या छोटा बेटा, मझला बेटा जो है वो नहीं करता है, या बड़ा बेटा या छोटा बेटा, या आपके पास 1 बेटा है तो बेटे से ही ये बकरा जो है वो कटवाया जाता है सिक्के की मदद से, और उस सिक्का में और कुछ पैसे रख के और गिफ्ट कपड़े जो भी हैं वो बच्चों को इस दिन उपहार स्वरूप जो है वो माताएँ देती हैं। यहाँ पे जो बकरा है उसके बिल्कुल बगल में यहाँ पे आशा माता की फ़ोटो बनती है गाय के गोबर से, गाय के गोबर से फ़ोटो बनती है। अब शहरों में बहुत सारी बहनों के प्रश्न आते हैं कि दीदी गाय का गोबर नहीं मिल रहा है, तो अगर आपको गाय का गोबर नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे आप हल्दी से माता की फ़ोटो जो है वो बना लीजिए, या आप फ़ोटो नहीं बना पा रही हैं तो हल्दी से माता के नाम से एक आँखें या गोल गोल इस तरीके से भी आप बना देंगे तब भी जो माता की फ़ोटो है वो बन जाएगी, जिस भी स्वरूप में आप बना सकते हैं अच्छे से अच्छे, या जिस भी नहीं बना सकते हैं तो हल्दी थोड़ी सी रख के थोड़ा सा इस तरीके से गोल गोल बना दीजिए, वो उसी स्वरूप में आप माता की पूजा कर लीजिए, या अगर आपको गाय का गोबर मिल जाता है तो गाय के गोबर से ही माता को जो है वो आप विराजमान करिए। आप देखिए मैंने सारी चीज़ें जो है वो आपको दिखा दी हैं, अब पूजा किस तरीके से करना है चलिए एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। इस तरीके से सबसे पहले जो दिया है वो प्रज्वलित किया जाता है, क्योंकि दिया जो होता है वो हमारी पूजा का साक्षी होता है। सबसे पहले आपको जो दिया है वो प्रज्वलित कर लेना है। इस तरीके से मैंने तिल के तेल का दिया जो है वो प्रज्वलित किया है। तिल का विशेष महत्व होता है इस दिन, तो आप चाहें तो शुद्ध घी का या तिल के तेल का दीपक जो है वो इस दिन जलाएं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। यहाँ पर मैंने कलश की स्थापना की है, यहाँ पर आप चावल रखें कटोरी में या तिल रखें तो विशेष महत्व है इस दिन, तो तिल की कटोरी भर के आप रखें तो ज़्यादा उत्तम माना जाता है। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से तिल जो है, काले तिल जो है वो डाले हैं, उसके ऊपर मैंने कलश की स्थापना कर दी है, थोड़े से तिल जो है वो मैंने डाले हैं, वहाँ पे मैंने माता की फ़ोटो जो है वो विराजमान की है, साथ ही साथ गणपति भगवान को भी मैंने थोड़े से तिल जो है वो रख के और उनको विराजमान जो है वो किया है। इस तरीके से आपको जो है वो रख देना है। इसके बाद आपको जल लेना है और जल लेके आपको जो स्नान है वो करवा देना है। तो सर्वप्रथम हम जो भी देवता हैं हमारे उनको स्नान करवाएंगे, तो इस तरीके से कलश को स्नान करवाना है, माता जी को स्नान करवाना है और जो भगवान गणेश हैं उनको स्नान करवाना है। स्नान करवाने के बाद में आपको इस तरीके से जो भी चंदन है, रोली है, जिस भी तरीके से तिलक लगाया जाता है, मान लीजिए जैसे माता जी को रोली का जो तिलक है वो लगाया जाता है, गणपति भगवान को चंदन का तिलक लगाया जाता है, उसी तरीके से आपको तिलक जो है वो लगाना चाहिए, और साथ ही साथ जो कलश है उसकी भी पूजा इस दिन करना विशेष महत्व जो है वो दिया गया है। तो यहाँ पे मैं माता जी की जो टीका है या तिलक जो है वो लगा रही हूँ यहाँ पे, और गणपति जी को जो तिलक है वो भी मैं लगाऊंगी यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको जो तिलक है वो लगा देना है इस तरीके से। और एक विशेष रूप से मैं बोलना चाहूँगी कि जब भी आप पूजा करें, माता जी गणपति या जो कलश है उसकी पूजा के साथ साथ आपको जो आपने यहाँ पे आशा माता की फ़ोटो जो बनाई जाती है उनकी भी विशेष पूजा इस दिन की जाती है। तो जो भी पूजा यहाँ पे करें उसी तरीके से जो भी आपने पहाड़ बनाए हैं, बकरा बनाए हैं, वहाँ पे आपको भी पूजा जो है वो कर लेनी चाहिए। तिलक करने के बाद में आपको जो पुष्प है वो चढ़ाने चाहिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कलश में पुष्प जो है वो चढ़ाऊंगी, इसके बाद मैं यहाँ पे गणपति भगवान को पुष्प जो है वो चढ़ाऊंगी, इसके बाद मैं माता जी को जो है वो चढ़ा दूंगी इस तरीके से। बाद में मैं यहाँ पे जो बकरा है वहाँ पे भी मैं पुष्प जो है वो चढ़ाती जाऊंगी। तो जो भी पूजा है वो आप इसी रूप में चढ़ा सकते हैं। इस तरीके से आपको चढ़ाने के बाद में जो भी भोग प्रसाद है वो आपको चढ़ाना चाहिए, फल जो है वो चढ़ाने चाहिए। इसके बाद आपको वस्त्र रूपी जो कलावा है वो आपको मौली जो है वो अर्पण करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे जो मौली है, जो कलावा है, वो माता जी को पहनाया है। यहाँ पे मैंने गणपति जी को जो है वो चढ़ाया है। यहाँ पे आप यज्ञोपवीत जो है वो भी चढ़ाइए, साथ ही साथ जो फल हैं मौसमी फल, खास करके शकरकंद, गाजर और अमरूद जो है, या जो ये बेर हैं, ये चढ़ाना विशेष होता है, तो इस दिन आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़रूर चढ़ाना चाहिए। यहाँ पे मैंने सिंगार जो है वो भी कुछ रखा है, यहाँ पे मैंने सिंदूर, चूड़ी और आलता बिंदी जो है वो मैंने यहाँ पे रखी है। साथ ही साथ इस दिन अगर तिलकुटा जो है वो आपके यहाँ निकाला जाता है तो वो ज़रूर निकालिए, और उसमें भेंट स्वरूप कुछ पैसे रख के आपके जो भी बड़े हैं, आपकी जेठानी, आपकी सास, आपकी ननद, उनको ज़रूर देना चाहिए इस दिन।
इस तरीके से आपको पूजा जो है वो कर लेनी चाहिए। तो इस तरीके से मैंने जो भी भोग प्रसाद है उनके नाम का ही रखा है, तो भोग प्रसाद आपको अर्पण कर देना है। इसके बाद जैसे इस दिन विशेष रूप से क्या है कि इस दिन विशेष रूप से तिल जो है वो चिटकाए जाते हैं, साथ ही साथ इस दिन तिलकुटा जो है वो भी बनाया जाता है। तो इस तरीके से अगर मैं बताऊँ तो आपको इस तरीके से ये देखिए ओखली जो है वो ले लेनी है। ओखली में आपको मैं बताऊँ कि किस तरीके से आपको जो तिलकुट है वो बनाना है। तो यहाँ पर आपको जो तिल हैं काले वाले, इस तरीके से तिल जो है वो डाल देना चाहिए इसी में, और इसी में गुड़ जो है वो डाल देना चाहिए इस तरीके से, और जो गुड़ है वो दोनों को डाल के इस तरीके से आपको तिलकुट जो है वो बनाना चाहिए। तिलकुट आप जो सफ़ेद वाले तिल हैं उनसे भी बना सकते हैं, लेकिन काले वाले तिल का इस दिन विशेष महत्व है। तो इस दिन इस तरीके से आपको तिलकुट का प्रसाद बनाना है, और ये प्रसाद जो है वो तुरंत बना के आपको भगवान को जो है वो भोग जो है वो ज़रूर लगाना चाहिए। तो इस तरीके से जो तिलकुट है वो हमने जैसे तिल है वो कूट लिया है, वही तिलकुट है। तो विशेष रूप से ये प्रसाद आज के दिन बहुत ज़्यादा विशेष माना जाता है, तो इसका प्रसाद जो है वो आपको इसका भोग जो है वो ज़रूर लगाना चाहिए। तो मैं सभी देवी देवताओं के नाम से यहाँ पे जो भोग है वो रखे दे रही हूँ कि तिलकुट का प्रसाद है। बाकी सब प्रसाद जो है वो मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया है। अब क्या है, इस दिन जैसे मैंने बता दिया है कि इस दिन तिल चिटकाने का विशेष महत्व है, फिर भी अगर आपके यहाँ होता है तो आप चिटकाइए, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, नई पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके यहाँ होता है उस तरीके से आपको ज़रूर करना चाहिए। तो अगर मैं तिल चिटकाने की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा यहाँ पे देखिए हवन कुंड जो है वो रखा है, इसी में मैं जो छोटी पूजा होती है इसी में कर लेती हूँ, जो बड़ा होता है फिर वो तांबे का जो है वो मैं निकालती हूँ। तो इस तरीके से मैंने छोटा जो है वो रखा है, इसमें आपको उपले का या आप आम की लकड़ी का या कुछ नहीं है आपके पास तो मैं आपको बताऊँ विशेष रूप से, अगर कुछ नहीं है आपके पास तो आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से जो कपूर है वो ले लेना है और कपूर को आपको जला देना है। देखिए इस तरीके से आपको कपूर जो है वो जला देना है, उसके बाद आपने जो तिल लेना है वो इसी तरीके से चिटका देना है। ये देखिए ये तिल इस तरीके से डालेंगे तो जो तिल है वो चिटकते हैं, तो इस तरीके से आपको डाल के जो है वो तिल चिटका देना है। ये तरीके से तिल अगर डालते हैं तो ये तिल जो है वो चिटकते हैं, ये देखिए ये जो तिल है वो चिटक रहे हैं। तो आपको तिल जो है वो इस दिन ज़रूर चिटकाने चाहिए। जब तिल आपके चिटक जाए उसके बाद आपको माता की आरती जो है वो कर देना चाहिए, जो भी दक्षिणा है वो आपको चढ़ा देनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं भेंट स्वरूप दक्षिणा जो है वो चढ़ा रही हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे जो आरती है वो मैंने यहाँ पे जला ली है और मैं आरती जो है वो भी कर दूँगी इस तरीके से। तो ये देखिए मैं यहाँ पर माता जी की आरती जो है और भगवान गणेश की आरती जो है वो मैं यहाँ पर कर रही हूँ। इस तरीके से आपको आरती जो है वो ज़रूर करना है। आरती करने के बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद आपकी जो पूजा है वो समाप्त हो जाती है, अब आपको आचमन जो है वो ज़रूर करवाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने पानी जो है वो लिया है, 3 बार आपको आचमन जो है वो ज़रूर करवाना चाहिए। इस तरीके से आपको आचमन जो है वो माता जी का जरूर करवाना चाहिए। तरीके से आचमन जो है वो हो जाता है, और पूजा समाप्त हो जाने के बाद में आपको एक लोटे में कच्चा दूध और गंगा जल पानी जो है वो मिला के आपको चंद्रदेव को अर्घ जो है वो देना होता है। तो अगर आपके यहाँ चंद्र भगवान को, चंद्रमा को अर्घ जो है वो दिया जाता है तो चंद्रमा को अर्घ दीजिए, अगर आपके यहाँ तारों को अर्घ दिया जाता है तो आप तारों को अर्घ दीजिए, और उसी के साथ जो पूजा है वो आपकी समाप्त हो जाती है। तो ज़रूर कीजिए इस पूजा को और अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप ज़रूर बताइए कि आपको ये पूजा जो है वो कैसी लगी है। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ। दोस्तों जय माता दी।